नमस्कार, हिम अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हिम अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और स्टूडेंट पोर्टल के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे, वहां पे टाइप करेंगे हिम अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे यहाँ पे मुझे गूगल ने सजेस्ट कर दिया है हिम अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं एंटर प्रेस करूंगा। देखिए, आपको सेकंड लिंक पे ही दिख जा रहा है हिम अकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट लिंक, या आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा है वेबसाइट वहाँ पे क्लिक करके भी हमारी वेबसाइट को खोल सकते हैं। कुछ इस तरह हमारी वेबसाइट दिखती है। जैसे अभी मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जो चले हैं वो क्रैश कोर्स चला है, जेई क्रैश कोर्स, नीट क्रैश कोर्स, तो हमारे पास दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जेई और नीट, जिसमें क्लासरूम प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों ही अवेलेबल हैं। अब हम आपको सिखाएंगे कि स्टूडेंट्स अपने पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन बना हुआ है, तो स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे और उनका स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा। अभी हम समझेंगे कि आपको आपका पासवर्ड कैसे सेट करना है स्टूडेंट पोर्टल पे। आपको एक यूज़र नेम दिया होगा और टेम्परेरीली यही यूज़र नेम आपका पासवर्ड है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और आपका नया पासवर्ड आपको सेट कर देना है। जब आप ये सेव कर देंगे तो फिर से आप अपना पोर्टल खोल सकते हैं। जैसे मेरा लॉगिन है 2000, पासवर्ड यहाँ मैं डाल दूँगा, लॉगिन करेंगे और देखिए मेरा पोर्टल खुल गया है। अब आपको एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर दिया गया होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मेरा रोल नंबर है 6001, मेरा एक पासवर्ड है जो मैंने सेट करा है अपने आप। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके इसको रीसेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड खुल गया, यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड है जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे बारे में आ रही है। दूसरा, अब आपको जैसे आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो लेटेस्ट लिंक यहाँ पे क्लास से 10 मिनट पहले आ जाएगा, आप ज्वाइन करिए और डायरेक्टली ये आपको जूम पे ले जाएगा। लैपटॉप के लिए कुछ इस तरह खुलेगा और आप अपने ज्वाइन फ्रॉम योर ब्राउजर को क्लिक करके अपनी जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है तो वो इस तरह यहाँ पे दिखेंगे। आपके लिए कोई असाइनमेंट्स डिज़ाइन की गई हैं और वो आपको सबमिट करनी है तो यहाँ पे आप असाइनमेंट देख सकते हैं और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन, किसी भी नए एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में नोटिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट आपको बताना चाहता है, तो नोटिफिकेशंस आपको यहीं पे आ जाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका टेस्ट पोर्टल। तो जैसे आपको पता है कि जेई के पेपर सारे ऑनलाइन होते हैं, तो कुछ उसी तरह हमने अपना टेस्ट पोर्टल भी डिजाइन किया है और अकॉर्डिंगली आपके सारे के सारे टेस्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में आके टेस्ट लेना चाहते हैं वो कोचिंग सेंटर में आके टेस्ट ले सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल खोल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका स्टूडेंट लॉगिन आएगा। इसमें भी आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और आप अपना टेस्ट दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।